हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर अमिता तिवारी, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आजकल इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता की परेशानी बढ़ती जा रही है। ऐसे में दिमाग में ये आता है कि इस कंडीशन में प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों को यही बताऊँगी कि इनफर्टिलिटी में प्रेगनेंसी के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि हम पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, इसमें सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ये देखते हैं कि अंडे जो हैं वो किस साइड में बन रहे हैं, उनका साइज़ क्या है और उनकी ग्रोथ कैसे हो रही है। जब अंडे फूट जाते हैं, इसमें कोई इंजेक्शन भी नहीं देते हैं, तो हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने को बोलते हैं, जिससे कि प्रेगनेंसी होने की दर जो है बढ़ जाती है। ये सबसे सिंपल मेथड है। दूसरा तरीका ये होता है कि वाइफ को पीरियड आने के दूसरे या तीसरे दिन से अंडे बनने की दवाई देते हैं, फिर सातवें से आठवें दिन से अल्ट्रासाउंड करना शुरू करते हैं, जिसको कि हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग बोलते हैं। इसमें हम फिर से ये देखते हैं कि अंडा जो है किस साइड में बना है, उसका साइज़ क्या है, उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है। और जब अंडे का साइज़ एक मैच्योरिटी तक पहुँच जाता है, तो हम इसमें एक इंजेक्शन देते हैं अंडे को फूटने के लिए, जिसको एचसीजी इंजेक्शन या ट्रिगर बोलते हैं, और उस समय हम हस्बैंड वाइफ को साथ में रहने को बताते हैं। इससे भी प्रेगनेंसी का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। तीसरा तरीका होता है IUI यानी इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन। इसमें हम वाइफ को दूसरे या तीसरे दिन बुलाते हैं, अंडे बनने की दवाई देते हैं, किसी किसी में इंजेक्शन भी देना पड़ता है, फिर सातवें आठवें दिन से फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड से ये देखते हैं कि अंडा किस साइड में बना हुआ है, अंडे का साइज़ क्या है, अंडे की ग्रोथ कैसे हो रही है। और जब अंडा एक मैच्योरिटी तक पहुंचता है, तो इसमें भी हम HCG इंजेक्शन यानी ट्रिगर देते हैं। फिर उसके 36 घंटे के बाद हस्बैंड वाइफ को बुलाते हैं, हस्बैंड से शुक्राणु लेते हैं और फिर उसको लैब में धोते हैं। उसमें जो अच्छी क्वालिटी के शुक्राणु होते हैं, उनको वाइफ के योनि मार्ग से IUI कैनुला से होते हुए बच्चेदानी में छोड़ देते हैं, और जिससे कि प्रेगनेंसी का रेट काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें प्रेगनेंसी का अगर परसेंटेज देखें, तो ये 10-15% तक बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, IUI पे मैंने अपने दो वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको IUI के बारे में और जानना हो, तो मेरे उन वीडियो को भी ज़रूर देखें। चौथा तरीका होता है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसमें हम वाइफ को दूसरे या तीसरे दिन से इंजेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। IVF में इंजेक्शन इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडे बनाने होते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड से ये देखते हैं कि कितने अंडे बने हैं, उनका साइज़ क्या है, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। और जब अंडे एक मैच्योरिटी तक पहुँच जाते हैं, तो फिर उसमें हम HCG इंजेक्शन यानी ट्रिगर देते हैं। उसके 36 घंटे बाद इन अंडों को बाहर निकालते हैं। उस दिन पेशेंट को एडमिट होना पड़ता है, ये प्रक्रिया बेहोशी में होती है, और फिर अंडे और शुक्राणु को लैब में मिलने के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर जब भ्रूण बन जाता है, उसके तीसरे से पांचवें दिन इसे हम महिला के बच्चेदानी में डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। जिस दिन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, उस दिन भर्ती की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ज़्यादा पेन नहीं होता है और इसमें बेहोशी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में ये देखा कि इनफर्टिलिटी में ट्रीटमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन होते हैं। किसी भी पेशेंट के लिए कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसका एग्जामिनेशन में क्या फाइंडिंग आई है, उसकी जांचें कैसी हैं और उसके इनफर्टिलिटी का कारण क्या है। तो जब आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आपके डॉक्टर आपका सारा वर्कअप करेंगे, ये जानने के लिए कि इनफर्टिलिटी क्यों हो रही है और आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा, वो आपको बताएंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक पे और भी कुछ पूछना हो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।